मुरैना के जमालपुर चौक में एक बेकाबू हुई बस की चपेट में कई वाहन आ गए। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक लुधियाना से शिमला जा रही बस के ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ गया, जिससे बस बेकाबू हो गई और 7 मोटरसाइकिल एवं 2 कारों को टक्कर मारते हुए एक खंभे से जा टकराई। इस दौरान सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों की भीड़ ने बस की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि बस ड्राइवर की हालत अचानक खराब होने से बस ने बेकाबू होकर कई वाहनों को टक्कर मारी, जिससे राहगीरों को काफी चोटें पहुंची। दूसरी ओर ADCP सतबीर सिंह अटवाल ने बताया कि बस के बेकाबू होने से यह सड़क हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि बस के ड्राइवर को फोर्टिज अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लुधियाना से कैमरामैन रोहित कुमार के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। सवेरे बस जो मैं घरों निकल रहा मैं देखा उतू ट्रांसफार्मर के कोलू बस इन्नी कि स्पीड तो सी, तो तुम्हें भी देखा कि बंद दो तीन बंदे फटड़ हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं करती पंजाब सरकार किसी पासों भी। असं DC साहब को भी जाके आए, मेमोरेंडम देके आए हैं, पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हैगी बसों के खिलाफ। एक्सीडेंट होया कहते ही दौरा पै गया, बिठाया कि मैं बस से अगर दौरा पैदा उन्होंने बस किए दी थोड़े सामने है जी बंदे उड़ाए रेहड़ियां उड़ाइया। आज देखो थोड़े सामने कार खड़ी है कि जो बंदे गए उन्हों की कीमत की लावोंगे आप जिन्हें सिर का परिवार चलता है। एक्सीडेंट होया जी इतने जी पंजाब रोडवेज की बस से उन्हें इतने मोटरसाइकलों के नाल एक्सीडेंट होया, जिस एक बंदा जो है मौके पर डैथ हो गई है, तो बाकी जोड़ा है जांच तो बाद ही पता लगेगा। रेडी मार लगाए हुए थे बाइक इनका जा रहा था, उसके बाद इनका टोक दिया, वो भी बहुत सा आदमी को मार दी है इसने। कोई कैसे मर गया है, ठीक नहीं है, 18 साल का था।